सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा क्या स्पाइडरमैन नो वे होम की मूवी डिले हो सकती है, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसके अलावा डैनियल आरपीके ने और ग्रेस रैंडॉल्फ ने कुछ ट्वीट्स किए हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर को लेके, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो अगर आपको स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर से रिलेटेड हर एक जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लोकी के एपिसोड 6 के बाद जब एमसीयू में मल्टीवर्स का क्रिएशन हो चुका है, तब सबको ऐसा लग रहा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर भी हमें काफी जल्द देखने को मिलेगा, पर अभी तक हमें स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर देखने को नहीं मिला है। तो ऐसा क्यों? क्या स्पाइडरमैन नो वे होम की मूवी डिले हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम सोनी के लिए एक बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट से सोनी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना चाहता होगा। पर क्योंकि आप जानते हो कि दुनिया भर में बहुत जगह अभी लॉकडाउन्स लगे हुए हैं और थिएटर्स हर जगह नहीं खुले हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल इंडिया का ही देता हूँ, जहाँ पे मेजॉरिटी स्टेट्स में अभी थिएटर्स नहीं खुले होंगे। तो शायद सोनी कम्प्लीटली कमिट नहीं करना चाहता है इस मूवी की रिलीज डेट को लेके। शायद सोनी को ऐसा लग रहा है कि दिसंबर तक भी दुनिया भर में हालात ठीक नहीं होंगे, जिसके कारण उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा सोनी के पास कोई अपना OTT प्लेटफॉर्म भी नहीं है कि वो इस मूवी को अपने OTT प्लेटफॉर्म पर डाल दें और साथ में थिएटर्स में भी डाल दें। जैसे कि आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस अपनी मूवीज को OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी डाल रहे हैं और थिएटर्स में भी डाल रहे हैं, पर उसके बाद भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैं रिसेंट एग्जांपल देना चाहता हूँ ब्लैक विडो का, जो कि सेम डे थिएटर्स पर भी आई, इसके अलावा डिज्नी प्लस पर भी आई। इसके अलावा कल ही ड्यून का ट्रेलर निकला है, जो कि शायद वार्नर ब्रोस के लिए सबसे बड़ी मूवी है उनकी 2021 की, क्योंकि इस मूवी में आपको बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि टिमोथी सैमलेट, ज़ेंडाया, डेव बटिस्टा, ज़ेवियर बारडेम, जॉस ब्रॉलिन, ऑस्कर आइज़ैक और जेसन मोमोआ। तो इतने बड़े बड़े एक्टर्स होने के बाद भी और इतनी बड़ी मूवी होने के बाद भी इस मूवी को वार्नर ब्रोस 22 अक्टूबर को थिएटर्स के साथ साथ अपने OTT प्लेटफॉर्म HBO मैक्स में भी डालने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस मूवी को और डिले करके कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा अभी वर्ल्ड वाइड थिएटर्स खुले नहीं है, इसलिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे जरूर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए सारे प्रोडक्शन हाउसेस अपनी मूवीज को थिएटर्स में भी साथ में डाल रहे हैं, इसके अलावा अपने अपने OTT प्लेटफॉर्म में भी डाल रहे हैं। वैसे अगर आपको ड्यून के बारे में और भी जानना है तो ड्यून की स्टोरी और ट्रेलर से रिलेटेड कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, जहां पे मैंने ड्यून की स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ड्यून के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखो। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ड्यून की बेसिक स्टोरी के बारे में पता चल जाएगा। मैं इस वीडियो का लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में 1000 व्यूज भी नहीं हुए हैं, प्लीज 1000 व्यूज पहुंचाओ कम से कम। बाकी मैं अगर स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में बात करूं तो सोनी के पास कोई अपना OTT प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए उसे अगर अपनी मूवी को किसी OTT प्लेटफॉर्म पर डालना होगा तो उसे किसी दूसरे OTT प्लेटफॉर्म के साथ नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार। पर इनके साथ अगर सोनी नेगोशिएशन करता है तब भी उसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि सोनी को अपने प्रॉफिट्स डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ शेयर करने पड़ेंगे, और शायद ये भी सोनी नहीं चाहता है। इसलिए शायद सोनी स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर नहीं निकाल रहा है, क्योंकि सोनी को लगता है कि वो दिसंबर में स्पाइडरमैन नो वे होम की मूवी रिलीज नहीं कर सकता है। पर क्या स्पाइडरमैन नो वे होम की मूवी डिले हो सकती है? तो मुझे लगता है कि नहीं। भले ही सोनी ना चाहे इसे दिसंबर में निकालना, पर शायद सोनी की मजबूरी होगी इसे दिसंबर में निकालना, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम एक सोनी की मूवी तो है, इसके अलावा वो एक मार्वल की मूवी भी है। और अगर स्पाइडरमैन नो वे होम दिसंबर में नहीं निकलती है तो उसके बाद मार्च 2022 में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आने वाला है, और स्पाइडरमैन नो वे होम को इस मूवी से पहले ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम में भी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखने वाले हैं, और ये मूवी डायरेक्टली सेटअप करेगी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को। तो सोनी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, और उन्हें स्पाइडरमैन नो वे होम को दिसंबर के महीने में ही रिलीज करना होगा, क्योंकि अगर सोनी चाहे कि स्पाइडरमैन नो वे होम को मूव करके हम दिसंबर से जनवरी कर दें, तब भी उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जनवरी में ऑलरेडी सोनी ने ये डिसाइड किया है कि वो मॉर्बियस की मूवी रिलीज करेगी। तो अगर सोनी स्पाइडरमैन नो वे होम को डिले करती है तो इसके कारण काफी सारे और मूवीज को डिले करना पड़ेगा, जो कि शायद मार्वल पसंद नहीं करेगी। इसलिए मुझे तो लगता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम अपने फिक्स डेट और टाइम पे ही निकलेगा। इसके अलावा स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर से रिलेटेड डैनियल आरपीके ने एक नया ट्वीट किया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि सोनी तब तक स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर नहीं निकालेगा जब तक वैक्सीनेशन के नंबर्स नहीं बढ़ते हैं। अगर ये बात सच हो गई तब तो शायद सोनी को एक साल और लग जाए इस ट्रेलर को निकालने में। बाकी ग्रेस रैंडॉल्फ ने स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर से रिलेटेड एक ट्वीट किया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर से पहले
हमें वेनम 2 का एक नया ट्रेलर देखने को मिलेगा। और वेनम 2 का एक नया ट्रेलर अभी इंटरनेट पे लीक भी हुआ था, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाला था और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने इस ट्रेलर को एक्सप्लेन किया था। बेसिकली वो एक ट्रेलर नहीं था, एक फीचरेट था, तो शायद मेजोरिटी लोगों ने उस ट्रेलर को अब तक देख लिया होगा, पर जिन्होंने भी नहीं देखा है वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके इस फीचरेट कम ट्रेलर को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।